हाय, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इन स्टॉक्स में शामिल है। आप यहाँ पे देख पाओगे लिस्ट, और अभी हाल ही में इसमें एक बड़े निवेशक ने निवेश किया है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर के तौर पे बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों, अगर आपको किसी भी शेयर में बाय या सेल करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या फिर वित्तीय सलाहकार से सलाह मशविरा अवश्य कर लें। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स के बारे में, या यूँ कहें कि एयरलाइंस इंडस्ट्रीज से जुड़े एक स्टॉक के बारे में आज बात करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई स्टॉक मौजूद हैं, 5 स्टॉक हैं। इनमें से मैं बात करने वाला हूँ ग्लोबल वेक्ट्रा के बारे में। अभी इसमें विजय केड़िया जी ने अपना स्टेक लिया है, मैं उसको भी आपको दिखाऊंगा। उन्होंने लिया नहीं बल्कि अपना स्टेक बढ़ाया है, इंक्रीज किया है, यानी पहले से ही उनके पास कुछ शेयर पड़े थे। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे हम ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉप की साइट पे आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये कंपनी इस चलते हुए चलचित्र में किस प्रकार की सर्विस देती है। आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये कंपनी किस प्रकार की सर्विस देती है। ये कंपनी कस्टमर फोकस, प्रिसीजन, पैशन फॉर फ्लाइंग के लिए जानी जाती है। आप देख सकते हैं इसके कुछ चीज़ों को, जैसे कि आप देखेंगे कि 24 ईयर का एक्सपीरियंस है कंपनी के पास, और यहाँ पे आवर्स लिखा हुआ है। कंपनी के फ्लाइटों ने इतनी उड़ान भरी है। आप देख सकते हो कि 4.6 पैसेंजर मिलियन पैसेंजर जो है कि इससे अपनी उड़ान भरे हैं, और यहाँ पे देखेंगे कि 10+ नंबर ऑपरेटिंग बेसिस हैं कंपनी के। ये तो हो गया कुछ बेसिक। अगर हम नीचे जाएं तो इनकी सर्विसेज में आप देखेंगे कि इनकी सर्विसेज ऑयल गैस सेक्टर को, जनरल फ्लाइंग, और साथ में AMRO और उसी के साथ हेलीकॉप्टर पिलिग्रिम्स के लिए इनकी सर्विसेज का यूज किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे कंपनी की कुछ सेफ्टी और कंप्लायंसेस के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको दिखाई देगा कुछ इन्वेस्टर के बारे में, इन्वेस्टर इंटरेस्टेड कुछ चीज़ें दिखाई देगी, और यहाँ पे इनसे जुड़े कुछ न्यूज हैं, आप इसको भी आके पढ़ सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो बताया कि कंपनी के से अगर आपको कांटेक्ट करना है तो ये 3 जगह है जहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर हम इनकी सर्विसेज की बात कर लें तो सर्विसेज आप देख सकते हैं कि ऑयल गैस, जैसा कि मैंने पहले भी दिखा दिया है किस तरह से सर्विसेज देते हैं, उसी के साथ हेलीकॉप्टर पिलग्रिम्स जो तीर्थ यात्रा होता है, लोग तीर्थ यात्रा करते हैं अमरनाथ जी, माता वैष्णो देवी, उसी तरह केदारनाथ, और आप देखेंगे कि मचैल यात्रा, मणिमहेश यात्रा, हेमकुंड साहिब, टेलोर टूरिज्म, यहाँ पे अपनी सर्विसेज देते हैं। उसी के साथ ही जनरल सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कंपनी में अपॉर्चुनिटी क्यों है। हमें जानना बेहद ज़रूरी है कि अपॉर्चुनिटी क्यों मौजूद है इंडिगो जैसे कंपनी को रहते हुए। तो मैं बता दूँ कि यह एक जनरल सर्विस होने वाली है। आप देखेंगे कि जनरल सर्विस के साथ आप एक बात पे नोटिस किए हैं, फोकस किए हैं कि पहले कभी लोग, बहुत बड़े बड़े लोग ही हवाई जहाज़ में यात्रा कर पाते थे, लेकिन आज ईज किया जा रहा है, लोगों के लिए आसान बनाया जा रहा है कि आम नागरिक भी इसमें यात्रा कर सकें, जिससे कि यह सर्विस एक आम सर्विस बन जाएगी, जिससे ये जो छोटी कंपनियां हैं इनमें ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि ये कंपनियां भी लाभ कमाएंगी। तो आपको भूलना नहीं है, ये कंपनी ज़रूर निश्चित रूप से अच्छा करने वाली है, मेरे अंदाज़ा से ये सही होना चाहिए। और इसी सब कुछ देखते हुए विजय केड़िया साहब ने भी इसमें निवेश किया है, इस बात को आपको भूलना नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ फाइनेंशियल चीज़ों को देखेंगे और फिर वीडियो को समाप्त करेंगे, और आपको बताएंगे कि कितनी अपॉर्चुनिटी है। किसी भी स्टॉक में निवेश करने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग की नहीं आवश्यकता होती। अगर आपको फाइनेंशियल भी नहीं पढ़ने आता तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको कितना ग्लोबल प्रोस्पेक्ट पे देख पाते हैं, उस कंपनी को, उस बिजनेस को, उस सेक्टर को, वो मायने रखता है। और आपको थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए कि कंपनी ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव से गुजर रही हो,
या फिर प्रमोटर भी भाग रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए। और ये भी कि कंपनी का जो पी है काफ़ी ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। दोस्तों अब हम शुरू करते हैं वीडियो को और आपके साथ बातें करेंगे। यहाँ पे देखिए कि जो मार्केट कैप है 340 करोड़ रुपए है और आप देख सकते हैं कि पेग रेशियो माइनस में है, आरओई आरओसी अभी साथ नहीं दे रहा है, डेट काफ़ी ज़्यादा हाई दिख रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका पी काफ़ी ज़्यादा हाई है, लेकिन अगर हम इसका फॉरवर्ड पी निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इसका फॉरवर्ड पी काफ़ी ज़्यादा कम है, 14 का पी आ रहा है। फॉरवर्ड पी कैसे निकालते हैं, जो हम लास्ट क्वार्टर का नंबर लेते हैं, यहाँ पे हम नंबर ले लेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके मार्केट कैप में भाग दे देंगे तो पी निकल के आ जाएगा। ये हो गया फॉरवर्ड पी। ध्यान रहे इसका आरओई आरओसी साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 7 है, 4 है और डेट टू इक्विटी काफ़ी ज़्यादा हाई दिख रहा है। आपको हम सीधे सीधे बोरोइंग पे लेके चलेंगे। आप देख सकते हैं कि 4,570 करोड़ की बोरोइंग है, रिजर्व 8 करोड़ का है। दोस्तों यहाँ पे आप देखना कि कंपनी का पीएनएल कैसा है। पीएनएल आप देख पाओगे कि कंपनी का पीएनएल बहुत ज़्यादा ही उतार चढ़ाव बढ़ा है, तो मैं तो कहूँगा कि आपको ऐसी कंपनियों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। क्या आप इसमें इत्मीनान से बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते हैं, ये बात आप पे निर्भर करती है। ध्यान रहे कंपनी का जो सेल्स है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, कुछ ना कुछ ज़रूर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इसकी जो सर्विस है वो ज़रूर आगे बढ़ेगी। रिटर्न अच्छा दिया है और आप देख सकते हो कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में मैं जो आपको दिखाना चाहता था, यहाँ पे आप देख सकते हैं विजय कांसीलाल केड़िया 1.46 से 3% हो गए, यानी दोगुना कर लिया है अपने स्टेक को। और केड़िया सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड भी अपने स्टेक को बढ़ाया है, आप देख पाओगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका रिस्क रिवार्ड अलग है, इनका रिस्क रिवार्ड अलग है, तो आपको इनको देख के नहीं जाना है, ये बात ध्यान रखना। आप देखेंगे कि इस कंपनी में के जो प्रमोटर हैं ये वेक्ट्रा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और ए रोटर लिमिटेड हैं, आप देख पाओगे। दोस्तों कंपनी छोटी है, साथ में रिस्क इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि डेट काफ़ी ज़्यादा है कंपनी के ऊपर, हाँ कोई प्लेजिंग नहीं है और प्रमोटर स्ट्रांग रूप से खड़े हैं, ये बात मायने रखती है। हेलीकॉप्टर चार्टर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों आपको इसका भविष्य कैसा लगता है, भविष्य के आधार पर ही मैं इसमें कुछ थोड़ा बहुत इन्वेस्टेड हूँ, लेकिन आपको क्या लगता है कि आपको इसका भविष्य कैसा होने वाला है, इसके पीयर ग्रुप में कौन से स्टॉक में ज़्यादा हमें अपॉर्चुनिटी दिखती है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको यह स्टॉक पसंद आया हो, या फिर आपको आप एयरलाइन से जुड़े किस स्टॉक में निवेश किए हैं, आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि आपको एक आइडिया होना चाहिए कि भारत में जो एयरपोर्ट है अभी मान लीजिए कि 180 है मोटा मोटी, या फिर 200 आप कह सकते हैं, लेकिन अमेरिका में कितना है, अमेरिका में 18,000 एयरपोर्ट। जी हाँ दोस्तों 18,000 एयरपोर्ट है, इस बात को आप नोटिस करना। और ये बात बहुत मायने रखती है कि हम अगर विकसित देश बनना चाहते हैं तो हमें इन सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि ग्लोबल वेक्ट्रा एक अच्छा परफॉर्मर बन सकता है? दोस्तों ये रहा वीडियो, उम्मीद है वीडियो पसंद आई।